थोड़ा लगाओ जोर से, लगाओ लगा। हेलो जी, मेरा नाम है चैन राठौर और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये है अपनी Hyundai Creta 2020 जिसका कि ये S मॉडल है, जिसमें हमें मिल जाता है पोस्ट स्टार्ट स्टॉप वाला स्विच। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर कई बार हमारी कार की जो बैटरी रहती है वो डेड हो जाती है और कार को बहुत बार और कई बार कार को धक्के लगाकर स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो तो भाई हो गया कि सिंपल। उसमें तो भाई हमें सेकेंड गियर लगाकर सिंपल हमें थोड़ी सी स्पीड पकड़कर कार को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब तो सारी कारों में पुश बटन कंपनी हमें देने लग गई है, तो इसमें हमें कोई भी चाबी तो नहीं घुमा सकते। तो आज वो हम लोग वही देखने वाले हैं कि अगर ये पुश बटन वाली गाड़ी की अगर बैटरी डेड हो जाती है तब हम इसे धक्का स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें इस पुश बटन वाली को अगर हमें धक्का स्टार्ट करना है तो उसमें एक हमें छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। चलिए अब जल्दी से अब इसे धक्का स्टार्ट करके देखते हैं कि पुश बटन वाली गाड़ी को हम लोग धक्का स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नई हो और मेरी वीडियोस को पहली बार देख ले हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही कुछ आप लोगों को एक्सपेरिमेंट शेयर करने हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारी कार की बैटरी डेड है और अब हमें इसे धक्का स्टार्ट करना है, तो वह अब हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए अब तो यहाँ पर हमारे पास दो भाई है, ये लोग कार को धक्का लगा देंगे और मैं अंदर ड्राइवर सीट पर बैठ के आप लोगों को कहूँगा कि कार को धक्का स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं बैठ जाता हूँ कार में और पीछे से दो लोग धक्के लगाते हैं और मैं अब कार को कर लेता हूँ सेकेंड गियर में और इसका हम जो इग्निशन रहता है वो ऑन कर लेते हैं। तो चलो अब मैं बोलता हूँ धक्के लग। तो अभी कार को स्टार्ट करने के लिए कुछ 10 या 15 की मिनिमम स्पीड चाहिए होगी, फिर कार जाके स्टार्ट हो जाएगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो मैं क्लच हो गई। ये देखिए 10 की स्पीड पे कार आराम से स्टार्ट हो गई। मजा आया। तो ये देखिए अगर कार को हमें इस पुश बटन से स्टार्ट करना हो तब कुछ 10 की स्पीड में हमें इसे धक्का लगाना होगा और इसका सेकेंड गियर हमें लगाना होगा फर्स्ट, और हम सेकेंड गियर में इसे स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट गियर में भी हम लोग इसे स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें काफ़ी झटका लगेगा, इसलिए सेकेंड गियर में इसे हम क्लच दबाएंगे और 10 की स्पीड रहेगी तब हमें ये बटन दबाने तब हमारी कार आराम से स्टार्ट हो जाएगी। और इस केस में भी कार में थोड़ी बहुत भी बैटरी होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर कार में बिल्कुल भी अगर बैटरी नहीं हुई तो कार का ये रिमोट डिटेक्ट ही नहीं करेगा और हमारे एक्सेसरी मोड ऑन ही नहीं होगा। तो भाई तो इसमें हमें थोड़ी सी बैटरी तो चाहिए ही। तो गाइस यार यही था वीडियो, मुझे आप लोगों को यही दिखाना था कि अगर पुश बटन वाली गाड़ी की बैटरी अगर डेड हो जाती है तब हम इसे धक्का लगाकर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस यार यही था वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो गाइस यार वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।